अगर एक घंटे में तयकुंदर साहब आप तुम गारंटी के साथ अगर नहीं चल रही तो पूरा रोड बंद करते हैं आगरा का चेक कर लेकर चेक करने का नहीं तयकुन आप जबान दे रही तो पक्की जबान दो कॉलेज के पास दो ऑफिसर है इनके दोनों ऑफिसर कुछ काम के नहीं है वो खाली ठहर के डायरेक्शन दे रहे हैं ये खंबे पे लाइट है क्या वो खंबे पे फ्यूज आ रहा है क्या खाली इतना बोल रहे हैं पूरा केईबी पूरा फेलियर है। यहाँ पर फौरन इमीडिएटली बड़े ऑफिसर्स आ गए और एरिया के कॉरपोरेटर अली खान साहब कृष्णा रेड्डी साहब आके फौरन पूरा जो है ना मुआयना करके फौरन लाइट दे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एमएसके मिल रोड अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल मिजगोरी रोड गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज बसवेश्वर कॉलोनी अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल ओल्ड जेवरगी रोड। पीएडब्ल्यू है 20 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं है ट्रिप हो रहा 5-5 मिनट को ट्रिप हो रहा जा रहा है और हमने 4 कॉम्प्लेट दिए आपको 4 कॉम्प्लेट से जो है हर कोई कॉम्प्लेट हर आदमी के यहाँ से मोहल्ले से कॉम्प्लेट दिए उठा रहे फोन क्या 2 बजे आ रहा उठा रहे उसके बाद 3 बजे आ रहा 5 बजे आ रहा खाली यही बोलते जा रहे ये गुलबर्गा सिटी है लूलर नहीं है देहात नहीं है तो यहाँ अभी तक 20 घंटे से कोई लाइट नहीं आती यहाँ खंबे गिरे थे ना कल रात में खंबे इस महीने में गिरे खंबे आगे रोड को मेन लाइन का खंबे गिरे थे नहीं साहब दूसरे मुकाम पे यही बाजू साइड है इधर साइड है इधर साइड है जो ये इसी महीने में जो है 20 घंटे से परेशान है पब्लिक 20 घंटे में पूरे बच्चों को बाहर लेके ठहरे हुए इनको छोटे छोटे बच्चे सर आप देखिए हर घर में बच्चा को बाहर लेके ठहरे हुए क्या 20 घंटे से लाइट नहीं सिटी गुलबर्गा में बना क्या आप एक तो लाइनमैन है क्या एक तो लाइनमैन है तुम्हारे पास कोई आने तैयार नहीं भाई देखो आप तो वर्कर है क्या आपके भाई पब्लिक को भी एक सेकंड रुको तो आप ये डब्ल्यू है हमको लाइट कब तक दे रहे आप दो बोलिए आप हमको लाइट कब तक दे रहे प्रॉब्लम मिला अभी आप एक घंटे में चालू कर तुम्हें एक घंटे में 20 के बजे 21-22 घंटे पूरा क्या आप ए डब्ल्यू यहाँ पर आने के बावजूद भी अभी 20 घंटे में तुम्हें लाइट नहीं मिल रही ठीक है अगर एक घंटे में तयकुंदर साहब आप तुम गारंटी के साथ अगर नहीं चल रही तो पूरा रोड बंद करते हैं आगरा का चेक कर लेकर चेक करने का नहीं तयकुन आप जबान दे रही तो पक्की जबान दो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यहाँ गुलशन अरफात कॉलोनी में और पूरा चुन्ने की भट्टी तक लाइन गई हुई है सुबह से 7 बजे से कंप्लेंट दे रहे हैं कृष्णा रेड्डी साहब को भी 4 बार कॉल किया हूँ मैंने कृष्णा रेड्डी साहब भी ये तयखून दिए कि आधा घंटा 20 मिनट में आएंगी लाइट बोले अब तक लाइट पूरा इफ्तार का टाइम हो रहा 6 बजने आ रहे हैं असर की नमाज हुई उसके बाद तक भी लाइन नहीं है यहाँ पूरी पब्लिक जमी हुई है ढक्कन कॉलेज के पास दो ऑफिसर हैं इनके दोनों ऑफिसर कुछ काम के नहीं है वो खाली ठहर के डायरेक्शन दे रहे हैं ये खंबे पे लाइट है क्या वो खंबे पे फ्यूज आ रहा है क्या खाली इतना बोल रहे हैं सुबह 7 बजे से कॉल कर रहे हैं एक फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे नो केईबी वाले फ़ोन उठा रहे बाजू रख रहे हैं पूरा केईबी पूरा फेलियर है। यहाँ पर फौरन इमीडिएटली बड़े ऑफिसर्स आ गए और एरिया के कॉरपोरेटर अली खान साहब कृष्णा रेड्डी साहब आके फौरन पूरा जो है ना मुआयना करके फौरन लाइट देना और ये भी तयकुन देना फुल वोल्टेज से लाइट देना 3 दिन से कंप्लेंट दे रहा हूँ कम वोल्टेज आ रहा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा ऐसे ही करके 2 फ्रिज उड़े 1 इन्वर्टर बैटरी उड़ी हुई है पूरी वहाँ मौजूद रखा हुआ हूँ मैं अगर कोई ऑफिसर नहीं आएगा 1 घंटे में लाइट नहीं आएंगी तो हागर का रोड बंद करके पूरे औरतों को लेके रमज़ान के महीने में पूरा रोड बंद करके धरना देंगे बड़े से बड़े ऑफिसर के ऊपर भी धरना देंगे हम डरेंगे नहीं किसी से भी बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम या जुबेर कॉलोनी और दरमियान नौसिन कॉलोनी के दरमियान में कल रात को 10 बजे से यहाँ पर लाइट गई हुई है अभी तक 21 से 22 घंटे हो रहा है अभी तक कोई लाइट नहीं है यहाँ पर और ऑफिसर से हमने कंप्लेंट भी की है उन्होंने आ रहे हैं 11 बजे और 12 बजे 1 बजे अभी तक कोई लाइट यहाँ पर आने की कोई गुंजाइश नहीं है हमने एडब्ल्यू सी भी कहा है वो भी आए विजिट करे आ रहे हैं अभी बोल के चले जा रहे हैं कोई एक लाइनमैन नहीं है इधर कोई ऑफिसर का विजिट नहीं है ये गुलबर्गा सिटी है कोई देहात नहीं है देहात में चलो भाई जाओ नदी में जाके पानी भर के लाओ नदी है यहाँ क्या करेंगे पब्लिक कहाँ से पानी भरेंगे और बच्चों को पूरे जो है बाहर लेकर बैठे हुए हैं खातून लोग और इसके लिए जल्द से जल्द इसके कौन है वो ए डब्ल्यू भी जो है आ रहे हैं देख रहे हैं चले जा रहे हैं अरे एक सिटी में जो है 21-22 घंटे से लाइट नहीं मिलती तो ये कैसा ये है
कि भी इतना क्यों जस्का में इतना ये है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ये महिला हो दूसरा महिला हो जो भी महल्ले में जो है तुरंत इस लाइट का इंतज़ाम कीजिए। जो लाइट गई हुई है बारिश की वजह से तमाम लोग परेशान हाल हैं और जो है रोज़ा रहे हुए हैं, सहारी में मुश्किल हो गई और लाइट आ रही है जा रही है, वोल्टेज जो है सिर्फ 130 वोल्ट आ रहा है। ये लोग जो है केवी के हजरात जो है आके देख रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं जा रहे हैं, कोई जो है उनको फॉल्ट नहीं मिल रहा। टेक्निकली जो है पुअर हैं ये लोग, टेक्निकली कुछ मालूम नहीं है ये लोग को, आ रहे हैं खाली जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, वो लाइन वैन नहीं है कुछ नहीं है, खाली अब आ रही है जब आ रही फ़ोन करें तो फ़ोन उठा के रख रहे हैं केवी वाले जो क्या है 1912 पे जो कॉल करे तो फ़ोन जो है बाजू कह रहे हैं इंगेज बता रहा। तो ये इसका जो है सोल्यूशन कैसा होगा, इलेक्टेड कैंडिडेट इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं, उनको आना चाहिए ऐसे टाइम पे आगे जो है आगे जो है ये मसले का हल करना चाहिए। कंप्लेंट भी सॉल्व कर रहे हैं और बिना सॉल्व में सॉल्व हो गया। हाँ, और कंप्लेंट जो है जो कर रहे हैं लिख ले रहे हैं सॉल्व हो गया बोल के जो है बोल रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पार्ट पे कुछ नहीं हो रहा, वो 110 से 130 ऐसा वोल्टेज आ रहा है, डिम वोल्टेज। अप्लायंसेस घर के जो है डैमेज हो रहे हैं, फ्रिज वगैरह सब जो है डैमेज हो रहे हैं, इसका कंपनसेशन कौन देगा? ये जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं जस्काम से फॉरन जो है इसको विथ इमीडिएट इफेक्ट इसको जो है सॉल्व करना चाहिए।